मैं किसी को जबरदस्ती एक आदमी के बुलवा लेने से कोई सलमान खान नहीं हो जाता, कोई ऋतिक रोशन नहीं हो जाता, जो कि एक ब्राह्मण कुल के इंसान को कान पकड़ के ऊंट बैठक करा रहा है कोई, वो चीजें ठीक नहीं लगी। क्योंकि ब्राह्मण कुल मुझे ऐसा लगता है कि पूजनीय है, कि अब ब्राह्मणों का यही सम्मान रह गया हमारे हिंदुस्तान में, तो कोई बात नहीं, उसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते। बट ठीक है, जो मेरे बारे में बोलेगा उसको ऐसे किया जाएगा, गुड, अच्छी बात है। इंसाफ मुझे लगता है कि हमें क्या, ये जनता दे देगी और ये ईश्वर जरूर देगा। गंगई पे अगर हम उतर जाएं तो आदमी परिवार छोड़ दे तो उससे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है। गेम एक लड़की को भेजकर उसके साथ एक ब्राह्मण कुल को, जो आदमी बताइए बने ताड़ी तक नहीं पीता, वो नशा तक नहीं करता, गुटखा नहीं खाता, उस आदमी को बियर पिलाना, बनाने वाले ईश्वर का भी गुरु एक ब्राह्मण ही हुए तो हमें। बट कोई नहीं, मत के गति रति भूत बड़ाई, जो जन जतन जहां ले पाई। कहां से लगा कल नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। अयोध्या की नगरी में हैं हम और बड़ा प्यारा माहौल है यहाँ का, मजा आ रहा है। थोड़ी सी तबीयत खराब थी मेरी 3 दिन से, ज्यादा फीवर और लूज मोशन की वजह से परेशान था मैं, और 2 दिन से काम भी बहुत कम कर पाया। और ये गाना मेरा बहुत प्यारा वेव म्यूजिक से रिलीज हुआ है, कि सखी सनीचर के अपहरणीचर बतुरले बलम। तो इस गाने को प्यार और आशीर्वाद अपना जिस तरह दे रहे हैं, दोनों जगह ट्रेंडिंग में है, तो ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद देते रहिए और आपका भाई आपके लिए बेहतर कुछ करता रहेगा। बाकी चीजें ठीक है, अब बोलने की जरूरत नहीं है। आज एक वीडियो देखा मैं, वायरल वीडियो कुछ था, जो कि एक ब्राह्मण कुल के इंसान को कान पकड़ के ऊंट बैठक करा रहा है कोई, वो चीजें ठीक नहीं लगी। क्योंकि ब्राह्मण कुल मुझे ऐसा लगता है कि पूजनीय है, और हम ही नहीं, मुझे लगता है हिंदुस्तान का हर वो व्यक्ति जो ब्राह्मण कुल को मानता है, और सदियों से हमारे बाप दादा और सबके बाप दादा पूजते हुए हैं, और उसको कान पकड़ के ऊंट बैठक कराना, ये मुझे नहीं लगता कि अब ब्राह्मणों का यही सम्मान रह गया हमारे हिंदुस्तान में, तो कोई बात नहीं, उसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते। बट ठीक है, जो मेरे बारे में बोलेगा उसको ऐसे किया जाएगा, गुड, अच्छी बात है। हम आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, हमें कलाकारी करना चाहिए। अगर दबंगई पे आदमी आ जाए तो ठीक है, उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि अब क्या शब्द बोलूं मैं, कि कलाकार को कलाकारी करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और ठीक है, मुझे मैं बोलूंगा तो शायद विवाद हो जाता है, मैं सच्चाई ही बोलता हूँ और लोगों को लगता है कि मैं विवाद करता हूँ, कि लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं ब्राह्मण कुल का बहुत सम्मान करता हूँ और मुझे लगता है कि मेरी पूरी खानदान सम्मान करती है हमारा, और पूरी भोजपुरी समाज ही नहीं, मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान ब्राह्मण कुल का सम्मान करता है। क्योंकि ब्राह्मण एक ऐसा जाति है जो कि हमें ज्ञान के तरफ हमेशा चाहे वो, और भगवान से बड़ी जुड़े हुए हर वो ब्राह्मण रहता है जो भगवान के बनाए हुए रास्तों को हमें बताता है, और उस आदमी को कान पकड़ के ऊंट बैठक कराना, ये सही नहीं लगा। बाकी चीजें ठीक है, आप दबंगे कर रहे हैं, चाकू लेकर किसी के सर पे रखकर और जबरदस्ती बुलवाना कि बोल सलमान खान कौन है, ये दुनिया बनाती है किसी को, सलमान खान या ऋतिक रोशन या खेसारी लाल या दुनिया कोई भी, ये संसार बनाता है। हमें किसी को जबरदस्ती एक आदमी के बुलवा लेने से कोई सलमान खान नहीं हो जाता, कोई ऋतिक रोशन नहीं हो जाता, तो जिंदगी है, कोई बात नहीं। हम बोलना नहीं चाहते थे और हम 2 दिन से कुछ बोल भी नहीं रहे थे क्योंकि तबीयत भी खराब था, बट मुझे लगा जे अब तो ठीक नहीं लग रहा है कि एक ब्राह्मण कुल जो कि कहीं ना कहीं हर वक्त पूजनीय है, एक छोटे ब्राह्मण के
कुल के बच्चा अगर भी होता है ना, तो हमारे पापा पैर छूते हैं, हम छूते हैं, हर आदमी छूता है, क्योंकि वो उसी के लिए बनाए गए हैं। लेकिन एक कौम के तरफ से और एक विशेष आदमी के तरफ से, विशेष सलमान खान जी के तरफ से ये चीजें हो रही है कि उनके लोग किसी ब्राह्मण को कान पकड़ के ऊठ बैठक कराना, ठीक है, इसका इंसाफ मुझे लगता है कि हमें क्या, ये जनता दे देगी और ये ईश्वर जरूर देगा। अगर आपसे कोई विशेष प्रॉब्लम है और लड़की का सहारा लेकर ये सब करना, मारी बाप रे, अब इतनी हद तक कोई गिर जाएगा, मुझे तो पता नहीं था, बट ठीक है, लिसन, होता है, हमारे लिए भी बहुत सारी चीजें बोली जाती है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि बोल के करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये सब चीजें दबंगई वाली तो है नहीं, कानून है, न्यायालय है उसके लिए, और मैं अब न्यायालय से ही काम करता हूँ, कानून के द्वारा ही चीजें करता हूँ, क्योंकि आखिर कानून किस लिए बनाया गया है, हम इस देश के वासी हैं कि भाई उसके लिए कानून का प्रतिक्रिया तो ही है ना, तो अब कोई बोले मेरे बारे में, क्योंकि मैं भाई दबंग हूं नहीं, मैं एक आर्टिस्ट हूं, कलाकार हूं, और मुझे कलाकार ही आता है, दबंगई करने आता नहीं है, और दबंगई पे अगर हम उतर जाएं तो अब आदमी परिवार छोड़ दे तो उससे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है, बट नहीं, हमारा परिवार भोजपुरी समाज है और भोजपुरी समाज के लिए हम जीते हैं, भोजपुरी समाज ने हमें यहाँ अच्छे गाने के लिए भेजा है, अच्छे सिनेमा करने के लिए भेजा है, अच्छे एक्टिंग करने के लिए भेजा है, अच्छे विचारधारा के साथ जीवन को चलाने के लिए भेजा है, तो हमें उसी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और हमारे साथ रहने वाले लोग भी, मैं सबको अपने भी लोगों से यही बोलूँगा कि आप किसी के लिए भी बोलते हैं तो अशब्द प्रयोग ना करें, हम आपसे नहीं कहते हैं कि आप अशब्द भाषा का प्रयोग करें, ठीक है, कोई करता है तो करने दीजिए, अब तो करने दीजिए, अब तो शुरुआत है, देखते हैं आगे क्या होता है, ईश्वर सबके लिए है, बट वो चीजें मुझे बुरी लगी, सॉरी, माफ करिएगा, आप लोगों को ये शोभा नहीं देता है कि एक ब्राह्मण कुल के बेटा को आप नंगा करके और कान पकड़वा के उठ बैठक कराते हैं, ये और 10 आदमी से घेर कर, यही मर्दानगी है, आप मर्द बनते हैं तो हमने भी बहुत कुछ बोला है, आइए यहां से, अयोध्या है, होटल का नंबर दे दूं, नहीं, बट ये सब नहीं करना है यार, बात एक बार बात निकलती है, बात होती है, उधर से निकलती है, इधर से बात बात में खत्म हो जाती है, इसको इस पॉइंट पे लेकर जाना कि आप किसी का गेम, एक लड़की को भेजकर उसके साथ एक ब्राह्मण कुल को, जो आदमी बताइए बने ताड़ी तक नहीं पीता, वो नशा तक नहीं करता, गुटखा नहीं खाता, उस आदमी को बियर पिलाना, उसको बेइज्जत करना, उसको नंगा करके कान पकड़ के, ब्राह्मण हमेशा पूजनीय होता है, चाहे जैसा भी हो वो, बट वो पूजनीय होता है, और ब्राह्मण भगवान राम भी ब्राह्मण के ही ज्ञान से ऊपर आए थे, उन्होंने जो भी, उनके गुरु एक ब्राह्मण ही थे, तो हमें बनाने वाले ईश्वर का भी गुरु एक ब्राह्मण ही हुए, तो हमें, बट कोई नहीं, मत के गति रति भूत बढ़ाई, जो जन जतन जहां ले पाई, जो जितना जानता है, जो जितना समझता है उतना वो करता है, बट वो चीजें ठीक नहीं थी, बट शायद आप लोगों के लिए बहुत, अहंकार अच्छी बात है, ताकतवर होना अच्छी बात है, लेकिन ताकतवर किसी, अगर आपके अंदर ताकत है ना, तो बर्दाश्त करने की क्षमता रखिए, ताकतवर वो नहीं होता है जो किसी को चाकू मार दे, किसी को धमका दे, किसी को डरा दे, और वो भी लोगों के दम पे, अपनी ताकत अपनी गायकी पे, अपनी एक्टिंग पे, अपने काम पे फोकस करके दिखाइए दुनिया को, ताकतवर किसी को मारकर थोड़ी, कौन ताकतवर किसी को मारकर बना है, बाद में उसका हश्र क्या हुआ है सबको पता है, बट ठीक है, जिंदगी है, बट मुझे बुरा अब लगा, क्योंकि मैंने वो वीडियो देखा, नंगा करके एक ब्राह्मण कुल के बेटे को कान पकड़ के ऊठ बैठक कराना, वो बहुत गंदा था, अभी तक तो ठीक था कि हाँ बोल कि सलमान खान है, ये है वो है, ठीक है, मैंने देखा वीडियो, यानी कि चलो यार ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, और मैं बोलना भी नहीं चाहता था, बट वो चीजें जब देखा तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण का शिष्य हूँ, मेरे गुरु जी कमलाकांत मिश्रा जी ब्राह्मण है, और मैं उन्हीं के आशीर्वाद से बड़ा हुआ, यहाँ तक पहुँचा, और हर ब्राह्मण का सम्मान करता हूँ, मेरे साथ रहने वाले जितने भी ब्राह्मण हैं, इनकेस की आपको पता नहीं होगा,
चाहे वो सोनू पांडे है, मैं उनका पैर छूता हूँ, मेरे मैनेजर है तो क्या है, अखिलेश कश्यप मैं उनका पैर छूता हूँ, मेरे राइटर है तो क्या है, कौन बाबा मेरे राइटर है तो क्या है, मैं उनका पैर छूता हूँ, प्रणव छोटा भाई है तो क्या है, लेकिन वो ब्राह्मण कुल का बेटा है, मैं उसका पैर छूता हूँ। बात वहां ये नहीं है, एक सम्मान की बात होती है कि आप किसी का सम्मान कितना करते हैं। पर ठीक है, कोई नहीं, आपको आपकी ताकत मुबारक हो, ईश्वर करे कि ऐसा उपलब्धि हमेशा आपके पास के लोगों के अंदर रहे, आपके पास रहे। मैं बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, आप ऐसे ही ताकतवर बनते जाइए, ऐसे लोगों को लेकर जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो आपके नाम से बड़ा हुआ, आपके नाम से, तो ऐसे लोगों को रखिए जो लोगों का सम्मान करे, और खास करके ब्राह्मण कुल का। ब्राह्मण कुल ऐसी जाति है जो बियाहो करावेला लोलो सराधो करावेला, तो ये बात के ध्यान रखे के चाहिए कि घर में अगर मेहरारू आवेले ना, तो एक ब्राह्मण के मंत्र से ही आती है, और घर में कोई मरता है और उसको अगर मुक्त मिलता है, मुक्ति मिलती है ना, तो वो ब्राह्मण के ही वजह से मिलती है, और हम उसी ब्राह्मण को नंगा करके और कान पकड़ के उठ बैठक करा रहे हैं, ये बहुत गलत बात है भाई, बहुत गलत है। बट ठीक है, भगवान की लाठी में आवाज तो नहीं होती, लेकिन लगती बड़ी तेज है यार, वो लगती बड़ी तेज है। आपके अहंकार आपको मुबारक हो, ईश्वर करे कि आप ऐसे ही अहंकारी बनते जाइए। चाकू के दम पे सलमान खान बुलवाते हैं, बन के दिखाइए ना, सलमान खान बनने में टाइम तो लगता है दुनिया में, ऐसे तो कोई थोड़ी बनता है, उसकी तरह एक्टिंग करनी पड़ती है, उसकी तरह विचारधारा रखना पड़ता है, उसकी तरह गरीबों का मदद करना पड़ता है, उस आदमी की तरह अपने फैमिली को लेकर चलने का देखिए सिलसिला देखिए। उस सलमान खान बनने के लिए हमें, मुझे लगता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। किसी एक आदमी से सलमान खान चाकू के दम पे बुलवा देने से कोई सलमान खान नहीं होता भाई, उसके लिए बहुत सारी चीज होती है, बहुत प्रक्रिया होती है, बहुत स्ट्रगल होता है, तब कोई सलमान खान बनता है। बट जिंदगी में मैं यही कहूंगा कि जो ब्राह्मणों का सम्मान नहीं किया, वो खुद का सम्मान कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बनाए गए हैं सम्मान के लिए। ठीक है, उन्होंने आपके लिए गलत बोला, आपके लिए, आपके पास कानून था, आपके पास न्यायालय है, आप कार्रवाई करिए। कोई भी आपके बारे में गलत बोलता है तो आप कार्रवाई करिए उसके लिए। आप धमकाइएगा 10 आदमी को लेकर, और 10 आदमी को ले जाकर किसी एक आदमी पे, ये कौन से मर्दांगी है, ये कौन सा ताकत है भाई कि 10 बाउंसरों को ले जाकर और आप किसी को होटल में घेर लेते हैं। मैं नहीं बोलना चाहता था और मैं नहीं भी बोलता, बट वो वीडियो देखा तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि नहीं, एक ब्राह्मण कुल के बेटे को आप ऐसे नंगा करके और कान पकड़ के उठ बैठक कराना, ये सही नहीं था। चलिए, हर उस परशुराम के वंशज को प्रणाम, और सबको प्रणाम, जितने भी लोग हैं मेरे से, मुझे जो देख रहे हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, और मैं ब्राह्मण का हमेशा सम्मान करता हूं, ये सब लोग जानते हैं, और मैं ही नहीं, मेरा पूरा खानदान करता है, और मेरा खानदान क्या, पूरी हिंदुस्तान करती है। बट कोई नहीं, आपके अहंकार आपको मुबारक हो, प्रभु ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए, इसी सब चीजों में आप वृद्धि करिए। मेरी शुभकामना ऑलवेज आप लोगों के साथ है, आप ऐसे ही बढ़ते रहिए, ईश्वर आपको ऐसे ही आपके दिमाग में, बुद्धि में ऐसे ही परिवर्तन करता रहे। मैं बोला ना एक रामायण की चौपाई की, मति के गति रति भूत बढ़ाई, अजो जन जतन जहां ले पाए। अब ये कोई ब्राह्मण होगा तो इस शब्द को समझ पाएगा, जो रामायण से करीब होगा, जो ग्रंथ को जानता होगा, वो ही बता सकता है, अदरवाइज आप लोगों के बस की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों से तो वेद पुराण से बहुत उलट, क्योंकि वेद पुराण से ऊपर हैं आप लोग, आपके अंदर आपके अहंकार, आपकी एक अलग कहानी है, आपकी एक अलग सिलसिला है, उपन्यास है। आप लोग धन्य है भाई, नमस्कार प्रणाम, आप लोगों के अहंकार आप सबको मुबारक हो, लव यू ऑल भाई। अगर कुछ गलत बोला होगा तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, बट ठीक है, ओके। और एक और आज खुशखबरी की बात है कि हमारे बड़े भाई और सपा के अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का आज जन्मदिन है, तो मेरे तरफ से अपने बड़े भाई को जन्मदिन की
ढेरों सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामना, उस पूरी फैमिली को शुभकामना कि ईश्वर ऐसे ही भैया को ऊर्जवान बनाए रहें और आप सबके बीच में हमेशा आप सबका सेवा करने के लिए तत्पर रहें। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।